बहुत हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह हैं। सर एक चीज बताइए मुझे कि आज चूंकि आप भी जाते हैं और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पारा शिक्षक वार्ता हो रही थी, पारा शिक्षक के मसले पर आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ ठोस फैसला लेना चाहिए या फिर जो चल रहा है उसे कितना सही मानते हैं? निश्चित रूप से पार्टियों के समस्या को लेकर सरकार ठोस फैसला लेगी, लेकिन विपक्ष जिस तरह से राजनीतिक हटकंडा बना रही, विपक्ष चाहते हैं कि उसका सरकार से विपक्ष लेना चाहता, विपक्ष को सरकार से हम लोग नहीं देंगे ना। सरकार करेगी ये, बिल्कुल सरकार समस्या का समाधान करेगी और पार्टी जल्द से वार्ता के लिए सरकार ने ऑफर भी दिया है, बहुत जल्द वार्ता भी होगी। और प्राथमिक दौर में आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, पहले जो है मैं शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव वार्ता करें, उसके बाद मसला वहाँ से सॉर्ट आउट हो, मसला का वहाँ सॉर्ट आउट नहीं होगा तो मेरे पास भी से आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे पारा शिक्षक को, क्योंकि आपने भी ये कहा था कि सरकार उसके बारे में गंभीर है? बिल्कुल, मैं आज भी उस विषय पर गंभीर हूँ और सरकार बिल्कुल गंभीर है और सरकार आज भी चाहती है कि पार्टी का समस्या जल्द से जल्द खत्म हो, समस्या जल्द से जल्द खत्म भी होगी। पिछले दो सालों से जो सदन का रवैया रहा है, जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है, जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना आप उठा पा रहे हैं ना विपक्ष के विधायक उठा पा रहे हैं, आपसे मेरा मतलब सत्ता पक्ष नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, इस राज्य के 81 विधायक सभी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और 3.25 करोड़ जनता के ज्वलन समस्या चाहे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हो चाहे विपक्ष के माननीय विधायक हो सदन में लानी चाहिए, लेकिन पिछले दो सालों से विपक्ष सदन को गुमराह करके और एक तरफ से कहिए कि सदन को हाईजेक कर लिया है और शोर शराबा करके और सदन को चलने देना बाधित करना, निश्चित रूप से इसको आने वाले चुनाव में विपक्ष के को आने वाली इस राज्य की जनता आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कड़ा जवाब इसका देगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है पूरा माहौल है यहाँ का वो उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड के जनप्रतिनिधि जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं चाहे वो पक्ष के प्रतिनिधि हों या विपक्ष के, वो कितना इसको लेकर गंभीर हैं। इस तरह के इंटरव्यू और इस तरह के पॉलिटिकल खबरों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इस तरह के पॉलिटिकल अपडेट झारखंड से दे पाएँ।